नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लाई हूँ, विंटर स्पेशल रेसिपी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस हेल्दी से लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो, ये है अलसी के बीज, इसे फ्लैक्स सीड्स इंग्लिश में बोलते हैं, आराम से मिल जाता है किराने की शॉप पर। इसको हमें गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम करके इसको अच्छे से भूनना है और इसे जैसे जैसे भूनते जाता है ना, इसमें चटकने की आवाज़ आती है और इसे हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि जो हम लड्डू बनाएं बहुत ही परफेक्ट बनाएं। और इसकी पहचान होती है भूनने की कि जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे चटकने की आवाज़, अगर ये भून जाएगा अच्छे तरीके से तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें से जो चटकने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने 4 से 5 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भुना, इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है और चटकने की आवाज़ भी बिल्कुल गंद हो चुकी है। तो इसको हमने निकाल दिया है, जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में, तब तक हम बाकी की चीज़ें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 5 से 6 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया। घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम गोंद, इसको डालकर हमें थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में डालनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। फ्लेम पे बिल्कुल मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे रहेंगे। तो इसको बहुत ही सावधानी से हमें भूनना है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालिएगा, एक साथ ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे बैचेस में पहले सभी जो हमने ये गोंद लिए है इसको फ्राई कर लेते हैं। ये जो फ्राई हो जाते हैं ना अच्छे से फूल कर बड़े हो जाते हैं, तो मैं पहले सभी गोंद को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं आपको सारी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो आपको वीडियो देख के पता नहीं चलेगा। तो मैं पहले आपको वीडियो बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं सब डाल दूंगी। फिर उसी घी में हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बादाम, बादाम को भी हमने स्लो फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके डालेंगे लड्डू में तो लड्डू की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक बादाम को भी फ्राई कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं एक छन्नी में, और एक्स्ट्रा घी निकल चुका है, इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसी तरह हम सभी ड्राई फ्रूट्स को भुनेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने 250 ग्राम काजू, काजू को भी डालकर अच्छे से हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिए और इसको हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। बस ड्राई फ्रूट्स इसलिए फ्राई किया जाता है कि जो लड्डू हम बनाएं वो पूरी सर्दियों तक चल सके और आराम से इसको 2 से 3 महीने तक हम खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में भी बना सकते हैं, मैं लेकिन एक साथ 2 से 3 महीने के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने बादाम को भी, अरे सॉरी, काजू को भी बहुत ही अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है, इसको हम निकाल देते हैं। काजू, बादाम और गोंद फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम अखरोट है, अखरोट को भी हम फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो इसमें ले सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है दोस्तों और हेल्दी तो है ही, और इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें ओमेगा 3, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अखरोट को भी फ्राई कर लिया है। फिर इसके बाद सेम उसी घी में मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम किशमिश है, किशमिश को भी एक साथ पूरा नहीं डाला है मैंने, 2 बैच में फ्राई करूँगी। किशमिश को भी हल्का सा फ्राई करके अच्छे से इसको हम निकाल लेंगे। फिर जब फ्राई होने लगती है तो बहुत ही अच्छे से ग्रेप्स की जैसे फूलने लगती है, आप देख सकते हैं। तो हमारी जो किशमिश है वो भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी मैं निकाल देती हूँ। एक बार आप इसे इस ठंड में बनाइएगा ज़रूर दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है। आप इसे एक लड्डू खाएंगे पूरे दिन भर आपको थकान नहीं आएगी और एक कमर दर्द हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो देखिए, किशमिश हमने फ्राई कर लिया था और सेम घी में मैंने लिया है, उसी घी में मैंने डाल दिया है 150 ग्राम खसखस है, जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं, ये भी बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठंड में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो इसको हमने हल्का सा भून लेना है, उसी घी में बचा हुआ घी था उसी में भून कर तैयार कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा घी बचा था तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम हरे, जिसे ड्राई डेट्स भी कहते हैं, इसको भी हम बचे हुए घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने के बाद बहुत ही इसका जो टेक्सचर है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने 1 बाय 1 फ्राई कर लेना है। तो देखिए, हमने डेट्स को भी, ड्राई डेट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम
देते हैं और इसी तरह बचे सामग्री को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा घी इसमें बचा है, उसमें हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मखाने, तो मखाने को मैं दो बैच में फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। थोड़ा सा घी लेकर इसमें इसको आप क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए, और ऐसे कुछ काले काले जो दिखते हैं ना उसको मखाने में से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, नहीं तो ये मुँह में जाते हैं ना, लड्डू में अगर चले जाते हैं तो पूरा टेस्ट खराब हो जाता है, थोड़े से हार्ड होते हैं तो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपको भूनते समय दिख जाए तो इसको ज़रूर निकाल दीजिएगा, और इसे क्रिस्पी होने तक पूरे मखाने को मैं 2 से 3 बैच में फ्राई कर ले रही हूँ। कढ़ाई मेरी छोटी है तो 250 ग्राम मखाने नहीं आ रहे, इसीलिए मैं इसे 2 से 3 बैचेस में मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो देखिए हमारे मखाने भी बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब हम बाकी इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो गोला लिया था, जो सूखा खोबरा होता है उसको मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। अब इसको भी हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। हम सभी ड्राई फ्रूट्स को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो सभी को थोड़ी सी मेहनत करके सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें 1 by 1 फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमने खोबरे को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसको आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। बड़ा सा गोला मिलता है तो ये 1/2 किलो गोला था, इसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था। इसको भी हमने अच्छे से घी में हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और ये है 1 ग्राम चिरौंजी, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। स्लो फ्लेम पे बहुत ही झटपट से भून जाता है। तो देखिए इसे हमने भून लिया है, और इसको भी हम निकाल देते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट मैंने भून लिया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ औषधियाँ ली है दोस्तों, तो ये आराम से मिल जाते हैं। मेथी अजवाइन तो सबके घरों में होता है, लेकिन इसमें 2 औषधि मैंने ऐसे ली है जो कमर और हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको हमें ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने 100 ग्राम पीपरी, ये छोटी पीपरी है आराम से मार्केट में मिलती है, 50 ग्राम अजवाइन, और ये है 50 ग्राम कमरकस, आराम से मिल जाता है ग्रोसरी शॉप में, कमर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और 50 ग्राम मेथी दाना। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छा से ग्राइंड कर लेना है। तो इसको मैं अच्छे से पहले बारीक इसका पाउडर बना ले रही हूँ। तो देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया, इसको रखते हैं साइड में। फिर मैंने सेम कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच मैंने देसी घी डाला है, जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम हल्दी, हल्दी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है दोस्तों, तो ठंडी में हमें हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कच्ची हल्दी मिले तो बहुत ही फायदेमंद होती है, बट ये मार्केट से मैंने लिया है। इसको भी हमें स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसका कच्चापन जाने तक भून लेना है। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है, भूनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच आप घी और ऐड कर दीजिए, और इसको डालकर अच्छे से हमें भून लेना है इसका कच्चापन जाने तक। देखिए हमने अच्छे से हल्दी को भून लिया है, हमारी हल्दी बहुत ही अच्छे से भून कर तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकालते हैं, और सेम कढ़ाई फिर से मैंने 2 बड़ा चम्मच घी डाला है, और घी डालने के बाद जो हमने अभी पाउडर बनाकर रखा था उसको भी भून लेंगे। ये जड़ी बूटियाँ बहुत ही फायदेमंद होती हैं दोस्तों। इस मौसम में बहुत औरतों को कमर दर्द और हड्डियों की दर्द की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और सिजेरियन के बाद तो कमर दर्द का इशू पूछिए ही मत। तो ये जो जड़ी बूटियाँ इसमें हैं इसके बहुत ही फायदे करते हैं हमारे हड्डियों के लिए। जिसमें मैंने कमरकस डाला है ना, वो कमर दर्द को बहुत ही कंट्रोल में रखता है। तो देखिए इसको हमने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है, इसका कच्चापन बिल्कुल निकल चुका है, इसे भी हम निकाल देते हैं। अगर आप इस लड्डू को बनाकर सुबह 1 लड्डू खाकर 1 गिलास दूध पी लीजिए, आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। फिर से मैंने थोड़ा सा घी डालकर यहाँ पे लिया है मैंने 250 ग्राम सौंठ पाउडर, जिसे ड्राइड जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, लेकर इसको अच्छे से भून लेना है इसका कच्चापन जाने तक। तो यहाँ पे मैंने मार्केट वाला लिया है, आप चाहें तो सूखे वाले अदरक जो मार्केट में मिलते हैं लेकर उसको कूट कर फिर आप बनाइए घर का फ्रेश, मुझे नहीं मिला। मैंने मार्केट वाला सौंठ पाउडर यूज किया है, उसके बाद मैंने कढ़ाई में फिर से घी डाला है, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 किलो गेहूं का आटा, और डालकर इसको हमें आटे को अच्छे से भून लेना है इसमें अच्छी सी खुशबू आने तक, जैसे आप चूरन भगवान जी का प्रसाद लगाते हैं ना, भोग पंजीरी वगैरह, बस उसी तरह से इसको हमें अच्छे से इसमें सौंधी खुशबू आने तक लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे इसको हमने भूनना है। तो इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे दोस्तों भूनने में, पेशेंस के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से भूनिए, तभी हमारे लड्डू हैं जो परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए हमने आटे को बहुत ही अच्छे से भून लिया, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसको भी हम निकाल देते हैं, और इसको निकाल कर रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे देखिए अलसी बहुत ही, इतना करने में अलसी हमारी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो इसको हमने पल्स मोड पे ग्राइंड करना है ताकि इसमें जो ऑयल है ना वो उस निकलने से ना वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसको आप पल्स मोड पर ही ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो इसका तेल है जो ये होने लगता है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है,
इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में तेल होता है दोस्तों। अगर आप इसको लगातार चलाएंगे ना तो इसमें ऑयल ये चिपचिपा सा हो जाता है। इसको आप पल्स मोड पे ही करिए, उसके बाद इसको आप हमें छन्नी से छान लेना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा कर्ड निकले उसको हम निकाल दें। और इससे आप फेंकेगा मत, इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमने इसको छान कर रख लिया है। इसी तरह हम मखाने को भी पहले ग्राइंड करके फिर आपको दिखाते हैं। आप एक बार इस लड्डू को इस ठंड में बनाइएगा ज़रूर दोस्तों, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पर सभी सामग्री को देखिए फ्राई किए हुए हैं, इसको रख दिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम पहले काट लेंगे। तो देखिए अखरोट, काजू, बादाम सभी चीज़ों को मैंने बारीक से चॉप करके रख लिया है। इसी तरह आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए, बट मैं इसे थोड़े से बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जो गोंद है उसको भी हम, यहाँ पर मैंने एक पत्थर लिया है, इससे अच्छे से, ये साफ पत्थर है, आप चाहें तो जो कुटनी होती है उससे कूट लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा गोंद भी पीस कर तैयार हो चुका है इसमें। और किशमिश को भी मैंने बारीक सा चॉप करके ले लिया। सभी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब वन बाय वन हम सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से बनाइए। अगर अभी आज की मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे बारीक जो चॉप करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको डाल दिया है और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने जो गोंद को अच्छे से कूट कर रखा था उसको भी ऐड कर देते हैं। और उसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे सौंठ पाउडर और गेहूं के आटे को जो हमने भून कर रखा था उसको भी ऐड करेंगे। और सभी चीज़ों को इसी तरह हमने वन बाय वन ऐड करके अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लेना है दोस्तों। तो देखिए हमने गेहूं के आटे को भी डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने खसखस को भून कर रखा था। खसखस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, इसे पोस्ता दाना भी कहीं कहीं बोलते हैं, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो और उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है जो हम औषधि बनाकर अभी जो मसाले पीस कर रखे थे उसको भी ऐड करेंगे, चिरौंजी भी ऐड कर देंगे। इसी तरह आप वन बाय वन सभी चीज़ों को ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए जाइए। तो पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बर्तन छोटा लग रहा था तो मैं इसको बाद में मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए जो हमने मेथी, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को भूनने के बाद पीसा था ना उसको भी ऐड कर देते हैं और हल्दी को भी डालेंगे। इसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद ही हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो देखिए हमें पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है और अच्छे से दो जगह करके यहाँ पे लिया है मैंने 150 ग्राम गुड़। तो गुड़ को हम दो जगह लिए हैं तो आधा आधा गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ पाउडर लिया है जो मार्केट में अच्छे से मुझे मिल गया, ये 700 ग्राम का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो गुड़ का डब्बा था उसको मैंने इस बाउल में निकाल लिया है, उसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे मैंने घी की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करके फिर मिक्स कीजिए, बट मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ पाउडर है तो बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाता है। आप अगर बड़े वाले गुड़ के टुकड़े लिए हैं तो उसको पहले मेल्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें मिक्स कीजिए। ये गुड़ पाउडर मार्केट में आराम से मिल जाता है और ये जो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुड़ है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है घी गरम करके और थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और गुड़ अपना लड्डू बांधते जाएंगे। घी हमारा गर्म होना चाहिए तभी हमारे जो गुड़ है मेल्ट होते जाएंगे और लड्डू बनते जाएंगे। अगर आप घी की आप यहाँ पे घी ऐड नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, गुड़ को मेल्ट कर लीजिए फिर इसमें ऐड कीजिए, तभी आराम से लड्डू बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। घी गर्म करके डालते जाइए और फटाफट लड्डू बनाते जाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू है दोस्तों। एक खाकर आप सुबह ग्लास दूध पी लीजिए, आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। और रेसिपी खास न्यू मॉम्स के लिए है, नई मदर्स को बहुत ही बच्चों को दूध पिलाना होता है तो भूख बहुत लगती है, तो उन लोग के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही फायदेमंद है। आई होप आपको आज की ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।